नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा रेलवे स्टॉक्स के बारे में, और ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। केवल रेलवे तक ही हम बात नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसे फंडामेंटल शेयर करेंगे जिससे आप किसी भी स्टॉक को एक्चुअली समझ पाओगे कि एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए और जो अभी प्राइस चल रहा है वो रीजनेबल है या नहीं है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले रेलवे की बात की जाए तो यहाँ आजकल जो सबका फेवरेट बना हुआ है वो IRFC है। IRFC हमारा भी फेवरेट था, लेकिन प्राइस गलत था। प्राइस हमारा था 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 32 रुपये, 35 रुपये, इन सब भावों पे मुझे बहुत पसंद था, आपके साथ शेयर किया। इनफैक्ट आप मेरी आज से एक साल डेढ़ साल पुरानी वीडियो IRFC पे जो भी है देखो, मैंने बहुत वीडियोज बनाई है IRFC पे। बीते 3 महीने में तो सबने बना दी, लेकिन बीते 1.5 साल में किसने बनाई है वो चेक कीजिए। मैंने आप सभी के साथ जब इस स्टॉक ने 19 रुपए का लो लगाया था ना, उस दिन भी शेयर किया था कि IPO जब से आया तब से लेकर आज तक इस शेयर ने अपने निवेशकों को पैसा बना के नहीं दिया। लेकिन ये कंपनी खराब नहीं है, इस कंपनी का भाव बेशक 19 रुपए का है, लेकिन ये कोई मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। उस समय कंपनी का जो मार्केट कैप था वो 20-22 हजार करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप था, तब भी मैं यही शेयर करता था। फिर जब पूरे रेलवे में तेजी आई, IRFC नहीं चला, आपको याद होगा RVNL 120 का हो गया, लेकिन IRFC 40 रुपए तक ही गया और वापस से गिर के दोबारा 30 पे आया, तब भी मैंने आपसे कहा टेंशन फ्री होल्ड करो, नहीं चल रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्टॉक खराब नहीं है। अब IRFC में अब बड़ी तेजी आई है, अब निवेशक इसको फोकस में रख रहे हैं और इस कंपनी ने रेलवे कंपनीज में पहली कंपनी बनी जो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर पाई IRCTC को छोड़कर। IRCTC एक टिकट बुकिंग कारोबार है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रेलवे देखें तो फिर ये आ जाती है। अब IRFC की बात करूं तो 98,000 करोड़ का मार्केट कैप करंटली है। कंपनी की बात करूं तो बुक वैल्यू है 36 रुपीज की, अभी 75 पे, यानी एग्जैक्टली 2 टाइम्स हो गया, 36 × 72, अभी 75 पे तो कह सकता हूं मैं 2 टाइम्स से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू के 2 टाइम्स से ज्यादा है। PE की बात करूं तो 15.8 का है, ठीक है जी। अब मैं इसका अगर यहीं पे थोड़ी और देखूं, देखिए ये IRFC को आप RVNL से कंपेयर नहीं कर सकते, IRFC को आप इरकॉन इंटरनेशनल से कंपेयर नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि IRFC, RVNL और इरकॉन के क्या है, वैल्यूएशन चेक करो। भैया IRFC का काम तो समझो, IRFC का काम क्या है, फाइनेंस का है। ये एक NBFC है सरकारी, जो केवल रेलवे को फाइनेंस करती है। RVNL इरकॉन कुछ और काम कर रहे हैं, आप सेम पीयर में कंपेयर करोगे ना, तो इसको कंपेयर करोगे तो सरकारी PFC से कर सकते हो, जो कि इसके सामने आपको महंगा दिखे, जो कि इसके सामने बहुत सस्ता दिखेगा। REC वो भी सस्ता दिखेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये कि सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट काफी फोकस्ड है, इसलिए इसको वैल्यूएशन थोड़े से महंगा मिल रहे हैं। बट इस भाव पे क्या लेना लाजमी है, मुझे नहीं लगता। मेरे को लगता है 50 रुपए तक भी खरीदने के लिए मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन जिनके पास है वो बने रहे, मौके से मिलती हैं ऐसी चीजें, मिल गई हैं तो होल्ड करो। अब आ जाते हैं अगले स्टॉक RVNL पे। इस कंपनी की बात करूं तो लगभग 6,300 करोड़ का प्रॉफिट बनाया स्टॉक ने, कंपनी ने बीते 12 महीने में IRFC ने। अब RVNL पे आ गया, 167 का भाव है, 5% की तेजी के साथ कल बंद हुआ है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू देखेंगे तो 35 रुपए की है, 35 रुपए के सामने 167 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है जी। तो 5 टाइम्स हो गया, जहां तक है 5 टाइम्स हो गया, 24 के PE पे आ चुका है। सरकारी कंपनियां इस वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं करती, बट एक रीजन है इस वैल्यूएशन पे ट्रेड करने का, वो रीजन देता हूं पहले मैं आपको। कंपनी की करंट ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ की है और कंपनी की 12 महीने की सेल्स 21,000 करोड़ की है, यानी कि जो 12 महीने में कंपनी सेल कर रही है उसकी 3.5 टाइम्स की तो ऑर्डर बुक पड़ी है कंपनी पे। और आपको कि बस हो गया भैया जो ऑर्डर थे यही थे, ऐसा भी नहीं है, ऑर्डर आगे बहुत पड़े हैं, क्योंकि सरकार एक मतलब एक कॉरिडोर बना रही है पूरा रेलवे का, वो भी कहां तक, यूरोपियन टेरिटरी तक, ताकि बिजनेस अच्छा हो सके, तो ऑर्डर आगे बहुत बड़े पड़े हैं। तो ये एक और बड़ा रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक्स के वैल्यूएशन महंगे हो रहे हैं। अब मैं कंपैरिजन कर लेता हूं जरा इस स्टॉक का भी। कंपनी की बात की जाए तो ये आपको जैसा कि देखने को मिला लगभग 5 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। बाकी की कोई कंपनी देखोगे रेलवे में तो इरकॉन चेक करते हैं एक बार, इरकॉन इंटरनेशनल पे आता हूं मैं, तो 55 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 141 पे 3 टाइम से भी सस्ता ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा RVNL के कंपैरिजन में सस्ता हो गया। बाकी आप इसी तरीके से बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग,
और कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ देखते हुए किसी भी स्टॉक को चेक कर सकते हो कि किस रीजन पे, किस भाव पे अच्छा है और क्या वैल्यूएशन आपको मिल रहे हैं और क्या एक्चुअल होने चाहिए। ये दो तीन चीजें आप जरूर चेक करें। इस स्टॉक की बात करें तो दम जरूर है ऐसे स्टॉक में, और उतना कुछ महंगा भी नहीं ट्रेड कर रहा है, बट सारे के सारे स्टॉक्स अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। RVNL ज्यादा महंगा इसलिए क्योंकि उसकी ऑर्डर बुक उतनी ज्यादा है। वहीं टीटागर रेल सिस्टम को देखोगे तो इसकी ऑर्डर बुक तो बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए ये स्टॉक भी बहुत ही महंगा है। 80 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 770 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 9 times पे। ये RVNL से भी डबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक उससे भी ज्यादा है। इसकी ऑर्डर बुक 28,000 करोड़ के समथिंग की है, ठीक है। अब आप कहोगे भाई 28,000 और 65,000 करोड़ में तो 65,000 करोड़ ज्यादा होता है, तो RVNL कर रहा है 21,000 करोड़ की सेल और ये केवल कर रही है 2,2800 करोड़ की सेल। ये रीजन है, कंपनी की टोटल बीते 12 महीने की 3,000 करोड़ की सेल है और 28,000 करोड़ की बुक वैल्यू है, तो इनपे बुक वैल्यू बहुत बड़ी है इसलिए इनके वैल्यूएशन ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आप चेक करके कंपनी को समझ सकते हैं। अब एक फाइनल डिसीजन क्या करें, जिन पे है होल्ड करें, जिन पे नहीं है गिरावट का वेट करें, या फिर अभी लेके गिरावट में जरूर खरीदें, ये व्यू होना चाहिए। आगे 5 से 7 साल का व्यू रखोगे तो पैसा बनेगा। ये स्टॉक मार्केट है और इस समय आप जितना लंबा व्यू रख के खरीदोगे उतना फायदे में रहोगे क्योंकि मार्केट हाई पे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।